ओए ओए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसा करना ना, ऐसा करना, ऐसा करना, बाप रे गिरी है बिजली, आवाज हुई है। अब ये बहुत ही खतरनाक हो गया। माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। भाइयों एक बात बताऊं आप लोगों को, यहाँ स्नोफॉल शुरू हो गया, ये देखिए, बाप रे भयंकर भयंकर, नेक्स्ट लेवल। और जो स्नो आ रही ना नीचे से उड़ के ऊपर की तरफ आ रही है। ए भाई लोग कल्ले पड़े तिरे लेपड़ भाई, बड़े खतरनाक बंदे ही ना रहे हो तो कुछ। ए देखो इनको कुछ ऐसे निकलते। जय माता दी, सब्सक्राइब कर लो ना चैनल, ठीक है, ठाकुर ब्लॉग एंजॉय करो। तो एक साल फ्री आ जाओ भाई। भाई अब जो कंडीशन है ना वो सिंपल ही ऐसी है कि भागो। ओहो भैया मुक्के पड़ रहे हैं, मुक्के मुक्के। मेरा पूरा हाथ जम गया है, इतनी ज़्यादा ठंड है कि क्या बताऊं मैं। रियल में आप में से कई लोग बोलेंगे यार शायद ये जोक कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है हाइपर स्मूथ पिक्चराइज हो रहा है तो इसलिए आपको उतना ये फील नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पर ना हवा भयंकर चल रही है, भयंकर, और मेरा हाथ ना जम गया है, ये जम गया भाई, जम गया। पुनीत कुछ बोलना चाहोगे? भाई यही बोलूँगा, ऐसी जगहों पे मत मत आना, ऐसा लग रहा है स्टोर स्नो स्टोर में फंसी गए। रुकने की जगह तो है ऊपर, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर हमारी बैग्स में बैग्स वगैरह हैं तो उनको कवर करना पड़ता है। हमारा तो ये फंडा है भाई आज का कि हम कहीं पर भी रुक सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं, कुछ भी, हमारे पास ए टू जेड है और हम लोग प्रोफेशनल राइडर हैं। तो चलो बाइक। जय मैया। सो गाइस हम निकल चुके हैं शिकारी माता टेंपल से और यहाँ पर शिकारी देवी में क्या हो रही है, बर्फबारी हो रही, काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। और रोड में मुझे पता है कि अभी हम जितना आगे निकल सकते हैं ज़्यादा जल्दी से नीचे निकल जाए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि स्नोफॉल ज़्यादा तेज़ होने की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलो आगे की तरफ निकलते हैं और देखते हैं आज इस राइड में हमको क्या क्या दिक्कत। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, भयंकर यार। अब हमको कहीं निकलना है और हमको ना कैंपिंग करनी पड़ेगी। अब ये बहुत ही खतरनाक हो गया। ओह माय गॉडनेस, अभी इस रूट की बात करें ना ये जी का जंजाल हो गया भाई, और खतरनाक हो गया। और दूसरी बाइक भी हमारी गिर गई है। एक्चुअली हो क्या रहा ना, स्नो आ रही है और स्नो से ये रोड और स्लिपरी हो रहा है। ओह माय गॉडनेस, और बाइकर्स उठा गए बाइक। अब ये बहुत ही खतरनाक हो गया, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यूज आ सकते हैं। ये इतना स्लोप है, अगर आपको दिख रहा है मेरे सामने और वो बाइक है, और ये स्किड हो रही है बहुत ही बुरी तरह से। इधर से निकल, ओ ये सेकंडों में आ रहा है यार, सेकंडों, मिनटों की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये सेकंडों में आ रहा है। ये स्लोप इतना ज़्यादा दिया गया, मैं बोलूँ सीधे सीधे ना 45 का डिग्री का स्लोप दिया गया। अंदर की तरफ चला कर,
पक्के जहाँ पर टायरिंग लगी है ना वहाँ मत जाना, कच्चे कच्चे रोड में जा, तब ग्रिप बनेगा। आराम से आराम से भाई, आज जब छिटेंगे एक दूसरे में दूसरे का डर होता है। अब ऐसा करना ना, ऐसा करना ना, ऐसा करना। बाप रे, भैया ओ माय गॉड, अब जैसे कैसे निकले। देखो भाई जैसे कैसे निकलो वहाँ तक, अगर मौसम साफ नहीं हो अब नीचे रुक जाएंगे हम, कैंपिंग ही कर लेंगे वहाँ नीचे मतलब जो गिरी है पिछले आप मान लो। हाँ चलो यहाँ से निकलो भाई, तो गिरी है लिटरली, आवाज हुई है। नहीं नहीं मतलब ऐसी नहीं, कुछ आवाज हुई है जैसे मैंने ऑन किया ना। हाँ ये देखिए बर्फ बर्फ जम गई है। चलो 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 निकलो निकलो, शाबाश। आप बोलेंगे यार इस मंथ में कहाँ स्नो गिरती है, ये रियल में एक्सट्रीम हो गया आज तो, एक्सट्रीम राइड। दोनों राइडर हमारे कहीं ना कहीं गिरे हुए, अभी एक्सपल्स गिरी नहीं है फिलहाल, और एक्सपल्स का भी नंबर कभी भी आ सकता है। फर्स्ट गियर सिंपली निकलो, एक्चुअली बाइक क्या है लोडेड भी है, और जो स्नो आ रही है ना बर्फ आ रही, उससे हमारी ज़मीन ज़्यादा स्लिपी होगी, फिर ये दिक्कत दे रहा है। और माउंटेंस पर ज़्यादा रुकना हार्मफुल हो सकता है, इसलिए यहाँ से निकल लो, पेड़ों के बीच में ना ही रुके, खाली स्थान देखें, क्योंकि जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर बिजली गिरी है, भयंकर सा धमाका हुआ है अगर आपने सुना होगा। और मैं पीछे चल रहा हूँ वो इसलिए क्योंकि भाई लोगों का कोई पता नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर भी स्किट मार देता है, रोड ख़तरनाक है। एक्चुअली मिट्टी बहुत कीचड़ है, ये देखो चिपकने वाली मिट्टी है, ये टायरों के अंदर घुस गई है। ये देखिए पूरे में मिट्टी चिपक गई है, एक्चुअली स्किट तभी हो रहा है बाइक, मिट्टी चिपक गई है, मिट्टी का चिपकना बड़ा ख़तरनाक हो गया है। मेरा एक्सपल्स है इसमें मोटोक्रॉस टायर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो शाबाश, अगर मौसम ख़राब है तो भाई मैं तो कहूँगा इस रूट पर सोचना भी मत कि आने की, आराम से चलना, हो सके तो बाहर से निकाल। मैं आपको बता दूँ रियल में, आप सोच रहे होंगे मौसम इतना अच्छा है यार, कूल है, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहाँ ना हालत ख़राब होगी। मैं अपनी लाइफ की जितनी भी मैंने राइड की है मेरे ख्याल से ये सबसे एक्सट्रीम है, क्योंकि कीचड़ लग गया है, और कीचड़ के बाद ना बाइक ऐसी भयंकर तरीके से स्किड कर रही है कि पूछो मत। इवन बाकियों को छोड़ो, बाकी तो बाकियों के मोटोक्रॉस टायर नहीं है, मेरे तो मोटोक्रॉस टायर है, मेरे बाइक स्किड कर रही है। ये मिट्टी चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी होने का कारण ये ना काफ़ी ज़्यादा स्किड मार रहा है। एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं तो निकल भी जाऊँ पर हम अपने साथी को कैसे छोड़ दें यार, नहीं छोड़ सकते भाई, आराम से चलना जा, ठीक है। अब ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने मोटोक्रॉस टायर, हालत क्या होगी कि इसके जो ग्रिप है ना उसमें कीचड़ ही कीचड़ घुस गया है, ये कीचड़ ऐसा है मतलब सीमेंट की तरह चिपक गया है। और नो डाउट इन रूटों पर चल के ना आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो अमेजिंग है। मैं तो अपने ऑडियंस को यही बोलूँगा, अगर भाई मौसम ख़राब है ना तो आप बचें इससे, इस रूप से आने से, अदरवाइज अपुन है, अपुन को चक्कर नहीं पड़ता, अपुन है ऑफ रोडर, यहाँ पर सेटलिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। यस, और दो मोड़ आगे जाओ और फिर वेट करो भाइयों का कि भाई लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, वेट वेट गजब। और अगर फ्लैट होता तो फिर तो ऐसे निकलते, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और उनकी तरफ आपको दिखाता हूँ जो ग्रास के फूल है ना, ये देखो माय गॉड पहाड़ी है पूरा, ओ भाई। सो व्हाट्स अप मैन, आर यू ओके, और शूट किया मोर देन ओके, गुड मैन। मैं निकलूं और राम से कहा यार, हम और राम से, ये पुनीत को देख लो,
सा मज़ा ले रहा हूँ मैं ऑफ रोडिंग का। और यहाँ पर भी लाल मिट्टी है, ये देखिए स्लोली 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 है ना, आराम से आना, स्लोली स्लोली बीच से स्लोली स्लोली चलना, और इस पर मत चल, इधर वाले पर चल। हाँ यस वेरी गुड वेरी गुड, खतरनाक है। ये देखिए मेरी बाइक नाच रही है, ए बड़ा हाँ इस पर चलो 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 शाबाश आराम से चलो, मैं संदोलू को देख लेता हूँ ना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये हो गया ट्रेंड, आराम से निकलना ना, अंदर मत अंदर मत आ, हाँ आराम से। ये देखिए टायर क्या भयंकर तरीके से स्किड कर रहे हैं, उतराई में स्किड मार रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, ये तो प्रोफेशनल राइडर है, तब आसानी से निकल गया। ये देखो टायर, देखो टायर, देखो मिट्टी, देखो इसमें ऐसी फेविक्विक की तरह लग गई है। ये देखिए आप टायर्स को देखिए, टायर बहुत ही अच्छे, गुड, अंदर से निकल ले जाए, हाँ निकल ले चक्कर ही नहीं, हाँ शाबाश शाबाश वेरी गुड, कोने कोने से निकल ले, हाँ जहाँ जहाँ ये है ना, शाबाश बहुत ही सही। हमारे लड़के बिल्कुल सेफ पहुँच गए, ये देखो मिट्टी, देखो यार मिट्टी देखो, फैब्रिक ऐसी नहीं लगती शायद, वैसे लग गए। टायर देखो कैसे मूव कर रहे हैं यार, कैसे घूम रहे हैं, चलो गाइस। अब आगे की जो सड़क है वो इस टाइप की इसीलिए बनाई है क्योंकि यहाँ पर चिकनी मिट्टी है और वो स्लिप मारती है। और आप लोग लोकली है? हाँ जी यही है, थोड़ी सी नीचे गए हैं हम, गए ऊपर कमनाग। कमनाग गए कहाँ से? तो यहाँ पर है कैंपिंग साइट, यहाँ पर हम कैंप लगा सकते हैं। वाह क्या बात है, पार्टी हो रही है यहाँ तो। और भाई लोग कैसे हैं? बढ़िया, यहाँ लगाएंगे हम कैंप आज, आग आप बुझाएंगे नहीं हम बुझाएंगे, बाइक उतारेंगे हम परे से। यस माय बेबी, ओए ओए कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटेंट बनता है ऐसे, दिस इज द कंटेंट। आ जाओ भाई, मेरे शेर आ गए, मेरे शेर आ गए। आप ये उठाएंगे बाइक, लेट्स सी देखो कैसे उठाते हैं, स्लोली स्लोली, वेरी गुड शाबाश। ब्लॉग बनाते हो? हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, कैमरा ओनर। चैनल का नाम क्या भाई? चैनल का नाम ये भाई, अभी आते हैं आपके पास क्या है? चलो मेरे वीर जवान, चलो चलो निकल गए निकल गए, इतना नहीं सोचते यार, इतना लगे सोचने तो हो गया फिर। ओ भाई लोग कैसे हैं? बढ़िया, पार्टी ऑन फ्लोर, गुड। और भाई क्या नाम है? साहिल। साहिल भाई क्या हाल है, गले मिलते साहिल भाई। और लक्की, लक्की भाई क्या हाल है? और भाई चेतन, चेतन भाई और बढ़िया। तो भाई तीन मुंडे मिले हैं मेरे को यहाँ पर, स्मार्ट स्मार्ट मुंडे, और यहाँ कर रहे हैं पार्टी। पार्टी है चॉकलेट की और चिप्स की, और कुछ कुछ रैपर भी फेंक रहे हैं, रैपर फेंक नहीं रहे फूक रहे हैं। भाई आज तो मज़ा आ गया, रियल में बहुत मज़ा आया, ये राइड तो मेरी लाइफ की सबसे एक्सट्रीम राइड थी। सो गाइज मेरे साथ दो प्रोफेशनल राइडर थे, रियली मानना पड़ेगा इन लोगों को हैट्स ऑफ यार, इतने खतरनाक टेरेन में इन्होंने राइड किया वो मानना पड़ेगा। और अब हम कर रहे हैं यहाँ पर कैंपिंग, और कैंपिंग के मज़े आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर कर रहे हैं हम। ऐसी कुछ लोकेशन है राइट, आप देखो थोड़ी देर बाद हम दिखाएंगे, अभी करते हैं जल्दी से कैंपिंग। सो गाइज फाइनली हमारा कैंप लग चुका है राइट, और ये है सामान, ये देखिए काफ़ी कुछ निकल रहा है। और ये हमारा ऐसा बंदा है ना जिसके पास कमी नहीं, हर चीज़ इस बंदे के पास है, ये देखिए
एक से बढ़कर एक मजे हैं, फुल ऑन। और ये पीछे की तरफ लगा हमारा टेंट, अगर आपको दिख रहा होगा ये राइट। और हमारे कुछ एलियन जैसे दोस्त भी है जो कि कहीं कहीं भटक जाते हैं इस तरह से। रियल में बड़े मजे आ रहे हैं, ऐसी कैंपिंग मिल जाए, ऐसी जगह लोकेशन मिल जाए तो मजा आता है। और आज पुनीत और साहिल के साथ मजे आ रहा है, और साथ में हमारा एक छोटा सा मेहमान भी आया। हेलो, ये देखो छोटा सा मेहमान भी है, कैमरा को देखो, इसको आज की पार्टी करेंगे हम इसके साथ। फूड पर लोग टूट पड़े हैं, ये देखिए। सो गाइस, आज हम थ्री मैन टेंट में तीन लोग नाइट स्पेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों स्मार्ट बंदे सोने की पैकिंग कर चुके हैं, और एक बंदा तो लम्हे लेट हो चुका है। और गाइस, एक सिंपल सा काम करना, तीन चैनल है आज, सभी को सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बिंदास कटा कट। सो गाइस, आपको मैं बता दूं, बोन फायर का अपना ही मजा होता है। और पीछे हमारा टेंट लगा हुआ, और देखो जुगाड़ किया भाई, बड़े लोग हैं हम लोग, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं जुगाड़ करके। और अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो बारिश के बाद थोड़ी दिक्कत हो ही जाती है, नो डाउट। फिलहाल अभी मैं फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि ये ब्लॉग को यहीं पर एंड कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, रात काफ़ी हो चुकी है, डिनर हमारा हो चुका है। और नाउ इन्जॉय करते हैं, बाकी चलो कल मिलते हैं सुबह। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक का बटन है उसको प्रेस करें। तो चलो कूल, मजे करो, फिर मिलते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, या।